आत्म ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मिले आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन से आज का लेक्चर आपका पार्ट 6 है। इसके पार्ट 5 लेक्चर में हमने बताया था आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस या वेरिएशन ऑफ जी विथ अ स्मॉल डी डेप्थ। फिर हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने बताया था कि वेरिएशन ऑफ जी विथ स्मॉल एच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस या वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड नहीं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के पहले आप ध्यान से समझे, जैसे आज के पास हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द अर्थ सरफेस, जी इज इक्वल टू स्मॉल जी ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन फॉर्मूला होता है आर। ये कब होता है? जब स्मॉल एच लेस देन आर होता है। ये फॉर्मूला ये बताया, फिर हमने बताया जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर। यानी ये फर्स्ट रहा, ये सेकेंड फॉर्मूला रहा, ये दोनों फॉर्मूला एबव द अर्थ सरफेस के लिए है। एबव द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से जब आप स्मॉल एच हाइट एबव जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला 2 हमने बताया। फिर हमने बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन है बच्चे ध्यान सुनो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन, हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, आर का स्क्वायर बताया। ये कहां पर था? ऑन द सरफेस या एट द सरफेस, एट द सरफेस की बात किया। ध्यान से समझिए, एक एक निचोड़ करके बताऊंगा, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल या अपने एग्जाम के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए, फिर हमने बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस या वेरिएशन ऑफ जी विद स्मॉल डी डेप्थ, जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - d अपॉन क्या होता है? तो आर ही होता है। ये सारे हमने 3 फॉर्मूला बताया आपको, ये एट द अर्थ सरफेस और ये अबव द अर्थ सरफेस, ये बिलो द अर्थ सरफेस, कहां पर? बिलो द अर्थ सरफेस, ध्यान से समझिए, बिलो द अर्थ सरफेस हमने बताया। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे बात किया जाए कि अबव द अर्थ सरफेस, तो आपको बात समझ में आ रही है। फिर बात किया जाए बिलो द अर्थ सरफेस या स्मॉल डी डेप्थ का, स्मॉल डी डेप्थ ऑन द अर्थ सरफेस से जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - d अपॉन आर फॉर्मूला आता है एट द अर्थ सरफेस। लेकिन आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी एंगल या एट एनी पॉइंट पर पूछ दिया तो आप क्या करें? जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला फाइंड करके बतलाइए, कब? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तब। तो इस फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी साइन कॉस कोसेक टैन सेक नहीं आया है डियर स्टूडेंट। तो उसके लिए आपका पार्ट 6 में हेडिंग है वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड और वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये आपका जो है मेन एक्सिस हो गया, यहां पर होगा नॉर्थ पोल और इधर होगा साउथ पोल, ठीक है। इधर होगा आपका वेस्ट, तो इधर होगा आपका क्या? साउथ। तो वैसे देखिए अर्थ का शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल। लेकिन हमने यहां ये जूम किया है कि अर्थ एक स्फीयर है, हमने एक स्फीयर बनाया। अब इस पॉइंट को मतलब डिवाइड है, बहुत से पॉइंट में डिवाइड है अर्थ। तो यहां पर एक हमने डॉटेड लाइन बनाया और इस पॉइंट को हमने इक्वेटर कहा। क्या कहा? इक्वेटर कहा। इसी इक्वेटर को आप लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। यहां पर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? 0 डिग्री।
तो लैटिट्यूड से यहाँ पहुंचेंगे नॉर्थ पोल पर, तो इसे बोलेंगे थीटा इक्वल टू 90। ये आपका पोल है, क्या है पोल है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको फॉर्मूला मिलेगा जी डैश इज इक्वल टू आपको मिलेगा जी माइनस आर इंटू मेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये फॉर्मूला मिलेगा। वेरिएशन ऑफ जी विथर लैटिट्यूड यानी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तीन वेरिएशन, एक अबव द अर्थ सरफेस, एक बिलो द अर्थ सरफेस, एक इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सपोज दैट कोई शहर आपका कहां पर हो, सपोज दैट 90 डिग्री पर, यानी ये 90 डिग्री को हम लोग नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, यानी कहां हो एट अ पोल पर। जब पोल पर होगा तो एट अ पोल, ध्यान से समझे, एट अ पोल पर थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पोल पर मिल जाएगा इस्तेमाल जी, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तो ये भी सारा क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, यानी पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी मिल रही है, एक्चुअल मिल रही है, एक्चुअल, ठीक है। कैसा मिल रहा है आपका, तो एक्चुअल ग्रेविटी मिल रही है, कैसा मिल रही है एक्चुअल ग्रेविटी मिल रही है, एक्चुअल ग्रेविटी, ध्यान से समझे, सारा कुछ चर्चा किया जाएगा। यानी पोल पर जो भी शहर हो, जो भी बॉडी हो, अर्थ कितना स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई बात समझ में, इक्वेटर पर बात किया जाए, एट इक्वेटर पर बात करें, इस फॉर्मूला के अनुसार अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा चंद मिनटों में। इक्वेटर पर आप थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे, जीरो डिग्री। अब जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर इंटू मेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा की जगह पर क्या रख देंगे, जीरो डिग्री। लेमडा की जगह पर क्या रख देंगे आप, जीरो डिग्री रख देंगे, यहाँ लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो लेमडा इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो मिलेगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिला कहां पर, एट अ इक्वेटर पर फॉर्मूला। देखिए एक्चुअल ग्रेविटी में से रेडियस मालूम है 6400 किलोमीटर और एंगुलर स्पीड है, क्या है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड कुछ दी होगी, यहां सब्ट्रैक्शन कर इस्तेमाल जी, जी की वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, तो इससे भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, यानी इक्वेटर से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, बोलिए इंक्रीज कर दी जाएगी, क्या कर दी जाएगी इंक्रीज कर, जैसे 45 डिग्री रखेंगे तो cos 45 डिग्री को 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो अब यहां पर हो जाएगा क्या 45 डिग्री पर हो जाएगा जी डैश 45 डिग्री पर आपका क्या मिल जाएगा जी माइनस आर इंटू मेगा स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। यानी इक्वेटर जैसे जैसे बॉडी आपकी बढ़ती जाएगी, यानी कोई बॉडी यहाँ, कोई सार यहाँ है, कोई सार यहाँ है, कोई सार यहाँ है, कोई सार यहाँ है, सब सारों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाएगी आपकी, इंक्रीज कर दी जाएगी, यानी हर बॉडी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसीलिए हमने पार्ट 6 में हेड डाला वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड या वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। अब देखिए ये अर्थ आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, कैसा रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए यानी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रोटेट करती है, किस वेलोसिटी से, तो एंगुलर, किस स्पीड से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। तो जब भी आपका एंगल दे दिया हो इक्वेटर से तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई इंटू मेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो आइए ये सब पॉइंट हमने आपको लेक्चर 4-3 में सब बता चुके हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं। अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि हमारा हौसला और जगह अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करूं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पहले जल्द से जल्द पहुंचे। आइए बात करते हैं इसका,
ध्यान से समझे, ये जो है क्या करता है, अर्थ रोटेट करता है किधर से किधर, वेस्ट टू ये ईस्ट होगा, इधर भी ईस्ट होगा, वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है, इस तरह से, ठीक। अब मान लीजिए सपोज हमने माना कि यहां पर कोई बॉडी, इस पॉइंट पी पर कोई बॉडी है जिसका मास यम है, कहां पर, पॉइंट पी पर, तो इस अर्थ के सेंटर से पी पॉइंट का रेडियस क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। अब इक्वेटर से कितना एंगल पर है, उसी इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे लेमडा, यानी लैटिट्यूड बोलेंगे। लेमडा ही क्या है आपका, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ध्यान से समझे, लेमडा को क्या बोलेंगे आप, लैटिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। जीरो डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इंटरसेप्ट। अब ध्यान दे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको क्या बोलेंगे आप, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन, ठीक। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसमें आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो यहां पर भी एक लाइन आप ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ध्यान समझे। यानी ये जो बॉडी है या इस बॉडी इस पर इसी पॉइंट पर कैसे चेंज करे, कैसे रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करते हुए फिर यहां पर इनिशियल पोजिशन में चली जाएगी 24 आवर्स में। यानी यहां बॉडी कोई यहां शहर है तो वो शहर कैसे रोटेट करेगी, पहले जाएगी यूं, ये ऐसे रोटेट करेगी, अंदर को जाएगी, इधर जाएगी, इधर अंदर को जाने के बाद फिर इधर से इधर आएगी, ठीक है ना। यानी इस रोटेशन को आप क्या बोलेंगे, यानी रेडली रेडली क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। अब दूसरी बात समझिए ध्यान से, अब प्रूफ करने जा रहा हूं, ये बॉडी जिसका मास इस्माल यम है, या सेंटर की तरफ क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, या बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, यम इंटू जी लिख सकते हैं। अब ये सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो इसके क्या लगेगा, टेंजेंट लगेगा, कहने का मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसके टेंजेंट आउटवर्ड लगेगा, तो इसे हम यू रिप्रेजेंट कर दिए, पॉइंट ए कर दिया, पी ए। तो पी ए के तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा यम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर होगा, और यह फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर के तरफ लगेगा, रेडली रेडली आउटवर्ड, कैसा लगेगा, रेडली आउटवर्ड लगेगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको कंपोनेंट में बनाते हैं, अगर आप इसके टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, देखिए ये लाइन होगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाता है, और यह इसको एम आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू पार्ट में इसको डिवाइड कर, एक इधर ले लें एम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आप ध्यान दें, यहां से सीपी, ये सी है, ये पी है, या ओपी, ओ से पी का डिस्टेंस आर है और पी से सी का डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो जितना एंगल लैटिट्यूड ये होगा उतना ही लैटिट्यूड आपका ये होगा, ठीक है, यानी लेमडा हो गया। तो जो एंगल आपको यहां मिलेगा वही एंगल आपको यहां मिलेगा, तो इसलिए जिससे एंगल बनाएंगे उसको क्या मान लेंगे आप, कास लेमडा मान, क्या मान लेंगे, कास लेमडा। इसके अपोजिट आपको क्या मिलेगा, एम आर ओमेगा का स्क्वायर साइन लेमडा मिलेगा, क्या मिलेगा, साइन लेमडा मिलेगा। तो ध्यान दे, अगर यहां पर नेट फोर्स आप फाइंड करते हैं, नेट फोर्स फाइंड करते हैं, यही पर हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी डैश फाइंड करना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ध्यान दे एक बात और, जैसे जैसे यहां पर ये लैटिट्यूड लिए हैं इक्वेटर से, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते हैं, ये स्मॉल आर क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन ये कैपिटल आर आपका यहां पर चेंज नहीं होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल आर जो है रेडियस है, अर्थ का क्या है, रेडियस है, लेकिन ये स्मॉल आर आपका चेंज होगा। जैसे मान लीजिए इक्वेटर, अब आप यहां पर एक पॉइंट ले लें, ये तो देखिए यहां पर ये रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर, फिर अगर आप यहां मानते हैं इस पॉइंट पर, तो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। यानी देखिए पहले आर
यहाँ से इतना था और देखिए आप इंक्रीज कर गया, फिर आप यहाँ से इधर आते तो इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा, यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट, तो चेंज होगी, बट कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कैपिटल आर की वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दें यहां पर मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हमने इस पॉइंट को ले लिया, यहां पर क्या है सी, यहां पर पॉइंट क्या है पी और यहां पर पॉइंट क्या है ओ, इनके बिटवीन का एंगल हमने क्या लिया लैम्डा, ये क्या है आर, ये क्या है स्मॉल आर, तो लैटिट्यूड के सामने की साइड को आप क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिससे एंगल लग रहा है ये क्या आ जाएगा बेस और ये क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो कॉस लैम्डा, यहां अगर हम बात करते हैं कॉस लैम्डा की, तो कॉस लैम्डा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलेगा बेस अपान हाइपोटेन्यूस, कॉस लैम्डा इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिलेगा बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस में क्या है हमारा आर है, हाइपोटेन्यूस में क्या है कैपिटल आर है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कॉस लैम्डा मिल जाएगा, इसको आप पहले इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान दें नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे मान लीजिए हम अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ क्या कर रही है रोटेट कर रही है, तो अर्थ अपने तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो सेंटर से आउटसाइड लग रहा है, तो यह इतना कम है कि हम यहां पर क्या है खड़े, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, राइट डाउन नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, हमने सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एम जी माइनस एम आर ओमेगा का स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा लिख लेंगे, और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ क्या लिख देंगे आप एम जी डैश लिख देंगे, एम से एम आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर कॉस इंटू लैटिट्यूड मिल गया, है ना। अब ध्यान दें इस आर की वैल्यू यहां पर देखिए क्या है, पुट कर दीजिए जी डैश इक्वल टू जी माइनस कैपिटल आर इंटू कॉस लैम्डा ओमेगा का स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा, और जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो गया लैम्डा हो गया, तो ये आपको मिला वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ अ लैटिट्यूड, विथ अ लैटिट्यूड ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, आई बात समझ में। अब थोड़ा सा स्पेशल केस समझ लें, अब इस फॉर्मूले को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की बात किया जाए, किसी भी यहां बॉडी हो, यहां बॉडी हो, यहां बॉडी हो, यहां बॉडी हो, ये देखिए ये लैटिट्यूड बढ़ता जा रहा है, लैटिट्यूड क्या होता जा रहा है आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां पर चला गया पोल पर, यानी ये एंगल इक्वेटर से आपको लेना है, किससे लेना है इक्वेटर से, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां चले गए एट अ पोल पर 90 डिग्री पहुंच जाएंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूला को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ एनी पॉइंट, राइट डाउन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से किस इक्वेटर से लेंगे अर्थ सरफेस किसी भी पॉइंट पर बाकी, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ठीक है। तो इस स्मॉल जी का वेरिएशन का फॉर्मूला आपके पास कितना हो गया, तीन हो गया,
एक अबव द अर्थ सरफेस जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। एक वेरिएशन ऑफ जी विथ स्मॉल डी डेप्थ जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में वन माइनस डी अपॉन आर टी। तीसरा आपका मिला वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा इसका स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्या बोलेंगे इस फॉर्मूला को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक है, अब आप देख लें स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में फर्स्ट पॉइंट आप ले लें। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एट अ पोल। कहां लेते हैं? एट अ पोल। तो पोल पर लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो देन जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर लिखें या आर ही लिखें ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो लैम्डा की जगह पर आप क्या रखेंगे? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू होता है आपका जीरो। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। यानी जी डैश को ही आप क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पोल इज इक्वल टू जी। ये फॉर्मूला मिला आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल आ गया? एक्चुअल ग्रेविटी के इक्वल आ गया। एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल ग्रेविटी मिला। ठीक है, एक्चुअल आपको क्या मिल गया? ग्रेविटी मिल गया। यानी आप कह सकते हैं कि इट मींस एट अ पोल ऑफ अर्थ, क्या लिख सकते हैं? इट मींस एट पोल ऑफ अर्थ, अर्थ के पोल पर चले जाए। इट मींस एट पोल ऑफ अर्थ, ध्यान समझिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोल पर कोई भी शहर हो, कोई भी बॉडी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थ किस तरह से मोशन करे, किसी भी एवरेज स्पीड से मोशन करे, ठीक है, पोल पर जो भी बॉडी है, जो भी शहर है, उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिपेंड, क्या लिख सकते हैं? इज नॉट डिपेंड, ठीक है, इज नॉट डिपेंड द अर्थ रोटेशन, इज नॉट डिपेंड अपॉन अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थ किस तरह से भी रोटेट करे, कितने भी एंगुलर स्पीड से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट इसका। सेकेंड पॉइंट एट इक्वेटर। इक्वेटर पर बात करें तो इक्वेटर पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो डिग्री। आकाश जीरो डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? सिंस कास जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन होता है, तो यहां पर वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ इक्वेटर जी माइनस आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यानी इक्वेटर पर आपका एक्चुअल ग्रेविटी का से भी क्या हो जा रहा है आपका? कम। अब इक्वेटर से जितना ही एंगल अधिक बढ़ते जाएंगे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू क्या कर जाएगी? कट जाएगी, बदलती जाएगी, चेंज होती जाएगी, आप पोल पर जाकर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देखिए यहां पर थर्ड एट लैम्डा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पर बॉडी है, यानी कास 45 डिग्री वैल्यू हो जाएगी वन बाई रूट टू। तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा।
यानी जी डैश इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रेविटी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये रहा वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड के स्पेशल केसेस रहे। अब आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। किसी भी एंगल पर पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या कर ले आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग कैपलर्स लॉ के साथ। आज की कहानी यहीं तक, जल्दी से वीडियो को पास करके नोट कर लें या साथ स्क्रीन ले लें। इट्स ओके।